संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली गई, जो हर रैली निकालकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि बिल में किसी भी धर्म विशेष के विरोध में कतई नहीं है, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा देश में इस कानून का दुष्प्रचार किया जा रहा है जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। साथ ही रैली में शामिल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सहित शहर के नागरिकों ने कहा कि हम भारतवासी इस कानून के समर्थन में हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल है उनकी और जनता को भी इससे महसूस पाती है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को आखिर में हम संसद के अंदर विधानसभा के अंदर क्यों भेजते हैं। आज देखिए पूरा देश कुछ लोगों के तरीके उनके भरमाने के कारण पूरे देश में कई हिस्सों में आगजनी हुई, कितने लोगों का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। यदि उनको इस विषय से कष्ट नहीं है तो उनको वास्तव में देश का सेवा करने का किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का छल प्रपंच करने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर बड़ी भ्रांति है और लोगों को पता ही नहीं है कि यह क्या करने जा रहा है। ये एक्ट लोगों को ये बताना चाहिए, ना सिर्फ भारत के अल्पसंख्यक को ये सुरक्षित करने जा रहा है, उनको नागरिकता देने जा रहा है, इसके अलावा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं उनको भी नागरिकता देने के लिए ये कानून बना हुआ है। ये किसी की कानून छीनने के लिए नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है और भ्रम में जो लोग भाग रहे हैं उनको इसकी वास्तविकता का पता ही नहीं है। बयानोपुर में एसडीएम